लाइक शेयर एंड बाय एंड बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और मैं निकल गई हूँ बाहर घूमने के लिए दीदी के साथ, क्योंकि मैं दीदी के यहाँ आई हुई हूँ। तो निकल गए हम लोग, क्योंकि मौसम देखिए बहुत अच्छा है और ऐसे कुछ लेना वेना नहीं है। हो सके तो हम लोग मॉल में जाएंगे, लेकिन बस ऐसे निकल गए हैं। तो चलिए चलते हैं। और ये मेरी बिटिया रानी चल रही हैं। तो ये देखिए कितना पास में हॉस्पिटल है, और अभी ऑटो आ रहा है। तो बस ऐसे रोड पे पास में ही ऑटो मिल जाता है। तो चलिए आप भी हमारे साथ घूम फिर कर आइए। दीदी हमारे साथ चल रही हैं, मैं उनको देखिए ये चल रही हैं। और चलिए देखते हैं ऑटो मिल जाएगा पास में, तो फिर मैं आगे का ब्लॉग बनाऊंगी। यहाँ पे हम लोग सड़क पर आ गए थे घर से निकल के, और ऑटो का वेट कर रहे थे कि हम लोग को ऑटो मिल जाए और हम लोग निकल जाएं। और ऑटो जल्दी मिल भी जाता है, तो सो फाइनली यहाँ पे ऑटो हम लोग को मिल गया और हम लोग बैठ भी गए। तो सोचा कि उन्हें थोड़ा सा वीडियो मैं शूट कर लूँ, और यहाँ पे मैं वीडियो थोड़ा सा शूट करने लगी। और बाबू मेरे साथ बैठी हुई थी, और यहाँ पे ये दीदी बैठी हुई है, और हम लोग बात करते हुए चले गए। कब मॉल आ गया पता भी नहीं चला। और ये ब्लॉग बहुत लेट से जा रहा है, तो इसके लिए सॉरी। और थोड़ा थोड़ा मैंने शूट कर लिया था, और फाइनली ये देखिए मॉल आ भी गया। और ये विशाल मेगा मार्ट है, और बहुत ही बड़ा मॉल है। यहाँ पे बहुत सारे मॉल हैं, लेकिन फर्स्ट पहले मैं इसी में गई थी, और इसके जाने के बाद वो थकान हुई थी। और जस्ट मॉल के बगल में यहाँ पे चाट फुल्की, मतलब बहुत ढेर सारे स्पाइसी चीज़ थे। और दीदी बोली भी कि चलो चलते हैं, लेकिन मेरा फिर हिम्मत नहीं हुआ किसी और मॉल में जाने के लिए। और यहाँ पे बाबू इतना तेज़ चल रही थी अंदर कि लग रहा था कि हम लोग गिर जाएंगे। और फाइनली हम लोग अंदर आ गए थे, और ये फर्स्ट फ्लोर था। यहाँ पे विंटर के बच्चों के कपड़े आ गए थे, बहुत नए नए कलेक्शन थे। और ये कॉटन और होजरी के कपड़े थे बच्चों के लिए, और ये सब मतलब ये हमको लग रहा था सेक्शन बच्चों के लिए ही था। और यहाँ पे दीदी बाबू के लिए ड्रेस देख रही थी कि कौन सा ले उसके लिए, और मतलब जब जाओ तब वो कपड़े हमेशा उसके लिए लेती रहती है। तो मैं जो भी वो उठा रही थी कपड़े, बस मैं मना कर रही थी कि नहीं ये इसके पास है, ये इसके पास है, ये इसके पास है। और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो गई थी दीदी कि मैं क्या लूँ, उसके लिए कौन सा कंफर्टेबल है, क्योंकि अधिकतर हम लोग फर्स्ट प्राइस से ही शॉपिंग कर लेते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा सोचती है कि मैं क्या उसको दूँ, मैं क्या दूँ। तो वो बार बार मुझसे चेक करा रही थी कि देखो कौन सा कम्फर्टेबल कपड़े हैं, और मैं ले नहीं रही थी। मैं बस वीडियो थोड़ा थोड़ा शूट करने में लगी हुई थी, क्योंकि मुझे आप लोगों से शेयर करना था। और बस ये मैं देख रही थी कलेक्शन की किस तरह के कपड़े आए, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे भी बच्चों के कपड़े अच्छे मिल जाते हैं, और बच्चों के कपड़े तो हर जगह बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो मेरा उतना मन नहीं था कपड़ा लेने का, और बच्चे हैं तो हर जगह जाओ, अगर मॉल में चले जाओ तो एक दो कपड़े इनको तो ले लिए ही जाते हैं। लेकिन तो भी मैं बस वीडियो शूट करने में लगी हुई थी, और मेरी बड़ी दीदी वो सिर्फ कपड़े देखने में लगी हुई थी कि कौन सा कपड़े ले। और फाइनली हम लोग बैक सेक्शन में आ गए थे, और बार बार फोर्स भी कर रही थी दीदी कि जो तुमको लेना है ले लो, लेकिन नहीं, मेरे पास बैग कलेक्शन भी इतने ज़्यादा हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं। तो मैं बैग सिर्फ देख रही थी। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर से आने के बाद फिर हम लोग सेकेंड फ्लोर पे जा रहे थे, और मैं सीढ़ी से ही जा रही थी। इसमें लिफ्ट भी था, लेकिन लिफ्ट में ऑलरेडी लाइन लगे हुए थे, तो हम लोग सीढ़ी से ही चले गए। और बाबू खेलते कूदते चली गई, पता भी नहीं चला। और लेकिन इस ये मॉल बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, मैं तो चलते चलते थक गई थी यहाँ पर। और बस मैं घूम रही थी कि यहाँ पर देखिए कि कौन कौन से कैसे कैसे कलेक्शन है, क्योंकि मॉल सबके हर तरह के मतलब पता चल जाता है कि किस तरह के यहाँ कपड़े हैं, वहाँ पे कपड़े कैसे मिलते हैं, तो पता चल जाता है। और थोड़े मोड़े नए नए कपड़े भी आए थे, लेकिन काफ़ी अधिकतर विंटर के कपड़े आ गए थे। और इतने जल्दी मैं देखी विंटर के कपड़े यहाँ पे, लेकिन हाँ विंटर के कपड़े यहाँ पे आ चुके थे। फिर यहाँ पे ये बर्तन स्टोर था, और फिर मतलब हर सेक्शन में थोड़ा थोड़ा मैं राउंड लगा रही थी, देख रही थी कि क्या यहाँ पे क्या क्या मिलते हैं। और
हम लोग को डोरमेट भी लेना था, तो हम लोगों ने डोरमेट लिया और बाबू के लिए दीदी कपड़े ले ली थी और मैं कुछ अपने लिए नहीं ली थी क्योंकि मुझे कुछ उतने पसंद भी नहीं आ रहे थे। और क्या, जब कुछ अच्छा यूनिक दिखता है तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं तो मैं नहीं ली। और फिर हम लोग नीचे आ गए थे और मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे, तो मैं एक जगह खड़ी हो गई थी और दीदी चली गई थी बिल पे करने के लिए। और उसमें बाबू के लिए क्ले खरीदा गया था जो टॉय की तरह था, और वो क्ले तुरंत खुलना चाहिए, वो जिद की हुई थी, तो मैं उसका जल्दी से बिल पे करा के और उस क्ले को देखिए मैं खोल रही हूँ वहीं पे, क्योंकि उसको तुरंत क्ले चाहिए था और बहुत ज़्यादा जिद करने लगती है। तो मैं वीडियो भी शूट कर रही थी और उसका क्ले भी खोल रही थी, और कैसे कैसे, क्योंकि क्ले थोड़े थोड़े कपड़े पे चिपकते हैं तो मुझे डर भी लग रहा था कि क्योंकि एक कॉर्नर पे मैंने कपड़े के स्टैंड का एक कॉर्नर पे एक बैठा दी थी और वो बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी कि क्ले खुलो क्ले खुलो। और यहाँ पे जल्दी से मेरी बड़ी सिस्टर मतलब बिल पे करके हम लोग निकल गए फिर, और ये हम लोग ऑटो में थे। फिर मेरी जीजू का कॉल आ गया था कि क्या खाना है क्या पीना है, उसी बात पे मैं हंस भी रही थी। और सो इतने ढेर सारे सामान ले लिए गए थे और बस हम लोग घर जा रहे थे जल्दी से, क्योंकि मम्मी घर पे थी, उनकी तबीयत नहीं सही थी, तो हम लोग उनको घर पे छोड़ कर आए थे, वो रेस्ट कर रही थी। और बच्चे भी घर पे थे एक दो, और दीदी की बच्ची थी, मेरे चाचा जी की भी बेटी गई हुई थी तो वो भी घर पे थी। और यहाँ पे बाबू लेट गई थी मेरे गोदी पे, उसको नींद आ गई थी क्योंकि हम लोग 12 एक बजे करीब गए थे, तो उसको नींद आ गई थी क्योंकि उसका वो सोने का टाइम होता है, तो वो सो गई थी। और बस हम लोग घर पहुँच गए क्योंकि हम लोग को भी बहुत ज़्यादा थकान लग रहा था, और वहीं से हम लोग घूम कर आ गए क्योंकि मेरी हिम्मत अब नहीं थी अगले मॉल में जाने की और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और ये दीदी की गली आ गई, मतलब पास में हम लोग आ गए थे, गली क्या, ये पास में हम लोग आ गए थे, तो ऑटो पूरा घर तक चला जाता है। सो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक से एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।